कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का वायरस हवा में 20 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। यही वजह है कि जहां भीड़ कम है वहां इसका असर भी कम हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि जब किसी को छींक या खांसी आती है तो बूंदें 3 से 4 फीट तक जाती हैं। 5 से 6 फीट के बाद इसकी बूंदें कमजोर होकर मर जाती हैं। राजस्थान के नौजवानों का तवील इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर बराह रास्त भर्ती इम्तिहान 2022 जारी किया, जिसके तहत रियासत के 3 महकमों में 1092 खुले आम भर्ती किए जाएंगे। इसके लिए दरख्वास्त देने का अमल 21 जनवरी से शुरू होगा, जो 19 फरवरी तक चलेगा। रियासती हुकूमत ने 31 जनवरी तक 100% दोहरी वैक्सीनेशन का हदफ दिया है, लेकिन फिर भी 18 साल से ज्यादा उम्र की आबादी का सिर्फ 94% हिस्सा ही एक खुराक का अहाता कर पाया है। इसके साथ ही तरक्की और वसायल में सबसे पसमंदा जिला प्रतापगढ़ एक मिसाल बनकर उभरा है। प्रतापगढ़ पहला जिला बन गया है जहां की 100% आबादी ने दोनों खुराकें हासिल की हैं। वजीर आला अशोक गहलोत के मशीर सनीम लोधा ने सख्त लहजे में नौकरशाही पर सवालात उठाकर सियासी हलकों में बहस छेड़ दी है। कोरोना पाबंदियों के बावजूद उन्होंने जिला परिषद और पंचायत समिति के स्टैंडिंग कमेटियों के इंतबात कराने पर सवाल उठाए थे। लोधा ने ट्वीट करके ब्यूरोक्रेसी को आड़े हाथों लिया है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतबात 2022 करीब हैं। तमाम सियासी जमातें उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर रही हैं। रियासत में 20% आबादी वाला मुस्लिम तबका इन इंतबात को किस नज़रिए से देख रहा है? रियासत में बीजेपी के इकदार में आने के बाद गुज़श्ता 5 बरसों में किन मसाइल का सामना रहा और क्या मुसलमान अपनी क़ियादत को मजबूत कर पाएंगे? भरतपुर के सेवर थाना इलाके में इन दिनों जंगली जानवरों की वजह से खौफ हिरास है। लोगों का कहना है कि इनके गांव में चीता जैसा जानवर घूम रहा है। वो जानवर बहुत से छोटे कुत्तों को लेकर गया है। कई गांव वालों ने भी इस जानवर को देखा है। वो कहते हैं कि वो चीता की तरह लगता है। मुंगल को कार्रवाई करते हुए प्रतापगढ़ एसीबी ने एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रिंसिपल ने प्रबुद्ध को डिप्यूटेशन से न हटाने पर 11,000 रुपये की रिश्वत तलब की थी। महेंद्र पाल मैना की कयादत में बीजेपी लीडरों ने अलवर में एक 16 साल गुंगी बहरी लड़की की असमत दरी के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। मुजमिन की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए बीजेपी कारकुनों ने जमवारामगढ़ के बस स्टैंड पर वजीर आला अशोक गहलोत का पुतला जला दिया। जयपुर पुलिस के जरिए चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लिप स्वयं मुहिम के तहत जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम CST ने बस थाना इलाका में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मंशियात माफिया पर घेरा तंग करते हुए मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया है। गोविंदगढ़ पुलिस स्टेशन ने मुंगल की दोपहर ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरवा का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मुलजमान से पूछगुछ के साथ साथ गिरवा के मफरूर बदमाशों की तलाश जारी है।